सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की उदासीनता एवं जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को लेकर जिलों में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन अपलोडिंग सिस्टम से लैस हो जाने के चलते डिजिटल वित्तीय आवंटन के अभाव में मनरेगा योजना बिल्कुल मृतप्राय प्रतीत होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। शायद इस योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूर भी इसकी न्यूनतम मजदूरी दर एवं विलंब से मजदूरी भुगतान की कुंभकर्णी हालातों को देख इस योजना के तहत रोजगार करने को तैयार नहीं है। इस दौरान इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूर भी संबंधित कार्य एजेंसी से बाजार दरों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान को लेकर इसके कार्यों में हाथ बटाते हैं। दूसरी ओर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों की ओर से भी इस योजना के तहत ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के प्रति कोई खास अभिरुचि नहीं दिखाते हैं। पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की ओर से भी मनरेगा के कार्यों में जवाबदेही लेना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते हैं। इसी बीच प्रशासनिक निर्देश पर कहीं इस योजना के तहत कोई काम कराए भी जाते हैं तो उसके मजदूरी एवं सामग्री के वेंडर राश भुगतान की राम भरोसे पड़ी होती है। मनरेगा योजना के प्रति कोई मतलब नहीं रखना पसंद करते हैं। इसी क्रम में गत वित्तीय वर्ष में भी जिलों में ग्रामीण पशुपालकों के बीच कई ग्राम पंचायतों में पशु शेड निर्माण के काम करवाए गए हैं, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायतों के कार एजेंसी वेंडरों को इसकी एवज में सामग्रियों की राशि का भुगतान बिल्कुल खटाए में लंबित पड़ा है। इससे मनरेगा के तहत पशु शेड बनवाने वाले ग्रामीण भी अब इस योजना के नाम पर त्राहिमाम मचाने लगे हैं। हालांकि इस योजना के तहत संबंधित योजनाओं की मजदूरों की मजदूरी की राशि का तो भुगतान कर दिया गया है, लेकिन पशु शेड बनवाने की एवज में समान क्रय राशि का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से भी मनरेगा की खस्ता वित्तीय आवंटन के बारे में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। विदित हो कि बीते कई वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत जिलों के कई ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण कार्य चालू करवाए गए थे, बाद में अचानक इस योजना को भी मनरेगा से बंद कर दिया गया है और इसके लाभार्थी यूं ही हाथ मलते रह गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।